का नाम है बाबा? तो सुखराम। सुखराम तो पेड़ तरी किसे रहा था? तेरा ऐसे से ना तोड़वा है घर ला और का कह रहे तोड़वा के बाद पैसा दे दूं कह रहे से? तो 6 लाख और 3 हजार पैसा और कुछ पैसा है चले जाते घर लटोर। समय समय 25 के करा कर रहे हैं, 25 के घर लटोरे हैं। 25 तारीख के घर लटोरे हैं पिछले महीना और 23 के गए हैं आडा ले है। तो 23 के मतलब आडा दे है तो 25 के घर लटोरे हो। आज 17 तारीख के बाबू मैं घाम बैठा। अच्छा लोग बच्चा लगे। हाँ और कौन कौन है मन? तोर कौन कौन है मन? एवं मोर नतनी है। अच्छा यह मसुआरी है। हाँ हाँ तो अभी घर के मुआवजा नहीं दे थे? बसावट लोई में रोके हो। अच्छा मतलब वो घर से लनी लो कहा था उसका समेत मोला दे बसावट समेत। अब वो कहा थे समझ शुक्ला साहब तो बसावट लेकर बेच का है। कौन शुक्ला? अविनाश शुक्ला। हाँ और धमकी दे है मोला पूरा यहाँ पंचायत करना है बे ऐसे कैसे मोला। अब बता ठीक। और कितने दिन ले रहा था से गांव में? बोला है गांव में समझ 75 साल है। का नाम है तुम्हार? उजली भाई। उजली भाई सुखराम के घर वाली है? हाँ। तो कई दिन ले इसने पेड़ तरी रहा था तुम्हारे? बेटे बताया है किसने से। अच्छा मतलब एक महीना होने वाला है? हाँ एक महीना होने वाला है। 3 सब बच्चा है, 1 सब बच्चा है, बहुत मेच है। हाँ तबियत खराब है करो? हाँ। अच्छा अच्छा अब ला कैसे कर रही हो साहबे जाने हमारा निजा पर कर ही के नहीं देते चला वही जाने। तो ऐसे से हम मोजल नहीं देते? हाँ हाँ फोटो वो सब खींच के ले गए। फोटो खींचेगा सब चटक गए और घर लतोड़वा दे। हाँ घर लतोड़वा। 17 दिन से यहाँ परिवार दिन और रात पेड़ के नीचे गुजार रहा है। घर का सामान उनकी आंखों के सामने बिखरा पड़ा है। परिवार में एक बच्ची को भीषण गर्मी से लू लग चुका है, आंखें घर को देख रही है। ये कहीं और का दृश्य नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोरबा जिले का है, उस प्रदेश का जहां अभी मुख्यमंत्री रमन सिंह जी विकास यात्रा निकालने वाले हैं। जानकारी के अनुसार भटोरा निवासी सुखराम पिता हीरा राम का मकान व जमीन का अधिग्रहण SCCL गेवरा परियोजना द्वारा किया गया है। मकान को गेवरा परियोजना द्वारा दिनांक 25 अप्रैल को तोड़वाया गया लेकिन आज दिनांक तक मकान का मुआवजा नहीं दिया गया है, जिसके कारण पेड़ के नीचे पिछले 17 दिनों से अपनी 3 छोटे नतनीन व पत्नी सहित कड़ी धूप में निवासरत हैं। एक जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में SCCL प्रबंधन की 4 कोयला परियोजना है, गेवरा दीपका कुसमुंडा कोरबा परियोजना। इन 4 परियोजनाओं में विगत 2001 से 2010 के बीच 17 गांव के लगभग 20,000 परिवारों के जमीन व मकान का अधिग्रहण किया गया। आपको बता दें कि कोल इंडिया पॉलिसी के कारण मकान तोड़ने के बाद मुआवजा का भुगतान किया जाता है, जिसका खामियाजा प्रभावित किसानों को भुगतना पड़ रहा है। पेड़ के नीचे पूरा परिवार कड़ी धूप में बैठे हैं, उसमें एक बच्ची गंभीर अवस्था बुखार से तड़प रही है, विगत कई दिनों से भूखे हैं। पीड़ित परिवार जीत पर अड़ा है कि उनका कहना है कि जब तक मकान का मुआवजा व पुनर्वास की सुविधा नहीं दी जाएगी तब तक किसी से कोई मदद नहीं लेंगे।